इस चैनल पर आपका स्वागत है। 7 जुलाई 2023 को वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा गोरखपुर में किया गया। इसमें वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन समारोह में यात्रा के लिए गोरखपुर के 7 छात्र छात्राओं को मौका मिला, जिसमें रेलवे स्कूल के 3 बच्चों की सहभागिता रही। प्रधानमंत्री जी ने इन बच्चों के प्रयासों को सराहा तो इनके चेहरे खिल उठे। सभी बच्चों ने अपने अनुभव बांटे, जिसको कि अलग अलग पेपर में जो है सरस दिया गया। गोरखपुर से 7 विद्यार्थियों ने की वंदे भारत की यात्रा। वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा करने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने पूर्वोत्तर रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल यानी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज यानी रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एयरफोर्स, सेंट जोसफ कॉलेज खोराबार और जीएन पब्लिक नेशनल स्कूल में काव्य कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक स्कूल से एक एक विद्यार्थियों का चयन किया गया और इनमें पूर्वोत्तर रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रियांशी गुप्ता यानी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज से सपना चौधरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सत्या शुक्ला, एयरफोर्स स्कूल से ऋषि यादव, सेंट जोसफ स्कूल से दृष्टि, सेंट जोसफ कॉलेज से ध्रुव कुमार यादव और जीएन नेशनल पब्लिक स्कूल से सिद्धार्थ कुमार तिवारी शामिल रहे। इन विद्यार्थियों ने वंदे भारत से गोरखपुर से लखनऊ तक की यात्रा की और इनके साथ पूर्वोत्तर रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका श्रीमती करुणा कुमारी भी मौजूद रहीं। इन बच्चों ने प्रधानमंत्री से बात की, इसके उपरांत इन बच्चों ने क्या कहा ये जो है आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे देखिए, यानी रेलवे गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर, सपना चौधरी, प्रधानमंत्री ने मुझसे मेरी पेंटिंग के बारे में पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि मेरी पेंटिंग क्या मैसेज देती है। बताया कि यह मेक इन इंडिया के साकार होते सपने को बयां करती है, साथ ही देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को भी सैल्यूट करती है। इसी तरह से अलग अलग बच्चों ने जो है अपने अपने अनुभव शेयर किए, जो कि यहां पर दिया है। इसी प्रकार प्रियांशी यानी रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल से पूछा गया कि आपको कैसा लगा और आपका क्या अनुभव रहा, तो इन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने मुझसे मेरी स्वरचित कविता सुनी और फिर मेरा हौसला बढ़ाते हुए आगे भी लिखते रहने की प्रेरणा दी। वंदे भारत ट्रेन पर लिखी कविता सुनाकर बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री से मिलना सौभाग्य की बात है, जो मुझे इस तरह से मिलेगा सोचा नहीं था। तो सभी बच्चों ने अपने अलग अलग अनुभव शेयर किए। इसी प्रकार हिंदुस्तान में दिया, प्रधानमंत्री मोदी से तारीफ सुनकर खुशी से उछल पड़ी सपना। अब इसमें देखिए, बसारतपुर की सपना चौधरी 11वीं में पढ़ती हैं। पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ पेंटिंग में भी माहिर हैं। शुक्रवार को वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी पेंटिंग की सराहना की। सपना ने अपनी पेंटिंग में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर तो दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन और बीच में देश का नक्शा उकेरा था। प्रधानमंत्री ने उनके हुनर की तारीफ की तो वो खिलखिला उठी। प्रधानमंत्री मोदी ने सपना से मेक इन इंडिया का मतलब पूछा। सपना ने तुरंत उद्यमशीलता को बढ़ावा देने का जवाब दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री जी दूसरे बच्चों से मिले। उस दौरान पूछा गया तो सपना ने क्या कहा, प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उनके सामने खड़े होकर बातचीत करने का ऐसा मौका मिलेगा। इसी प्रकार एयरफोर्स से और यदि रेलवे सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सत्या शुक्ला ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री का सपना अपना होता दिख रहा है, हम लोग भी वंदे भारत में सफर कर ले रहे हैं, गोरखपुर में भी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, कभी सोचा नहीं था। इस प्रकार से जो है यही वो पेंटिंग है जिस पेंटिंग की तारीफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जी किया। यही वो पेंटिंग है जिसमें इन्होंने सब कुछ लगभग लगभग दर्शा दिया। कविता सुना करके प्रियांशी गुप्ता को कैसा लगा, देखिए इन्होंने क्या कहा कि फेस टू फेस मिल पाई, उनसे मिलने का सपना पूरा हुआ,
उनसे मिलना ही खुद में एक लक्ष्य का पूरा होना है। हालांकि उनके पास ज्यादा समय नहीं था, बताया गया था कि वह सिर्फ 9 मिनट ही बच्चों से मिल पाएंगे। समय कम होने के नाते सभी बच्चों से उनकी पर्सनल टॉक नहीं हो पाई। साथ में जो है रेलवे स्कूल की शिक्षिका श्रीमती करुणा कुमारी भी। अब इन बच्चों के सीधे टाक को ट्रेन में ही न्यूज 18 की टीम ने कवर किया। वो पीछे है, आप उसको थोड़ा सुन सकते हैं कि इन बच्चों ने किस हौसले के साथ, किस खुशी के साथ जो है अपनी बातों को जो है जाहिर किया है। ये महोत्सव है देश के लिए खुशी और उन्नति का, ये महोत्सव है मातृभूमि के तेरे गौर और स्वाभिमान, वो कुछ स्वर्ण के लहराए देश की।